भाई तू दिखा ए यो देख ले भाई इतना जावा अरे कुकरे निकल लियो भाई नो भैया आज सुपर सीटर फील्ड मार्शल की एक साथ में जो नुकार में सारे काम करा है ये एक साथ में सारे काम करने लग रही भाई या साथ की साथ नरमा की बिजाई करने लग रही फिलहाल देखने लग रहे हो ये नरमा की बिजाई एक साथ में बाई करने लग रही है गले बिजाई करने लग रही है इस वक्त आप लाइव देखने लग रहे हो देख लो नरमा की बिजाई एक साथ में करने लग रही है ऑल इन वन जो सुपर सीडर है फील्ड मार्शल का अरे के करने लग रहा है अरे मजा आ रहा भाई इस बार की तो मौजे नहीं होनी थी मौजे नहीं होनी क्या कर रही हो तू तो सही एक में चल जाए काम है एक के में एक एक वन है सही है के बिजन लग रही हो इन नरमा की बुझाई करा नरमा की बुझाई हां अरे नुका कच्चा कट रहे भाई नुका अरे यू नशा कर रहा भाई पी रहा है जो आदमी पी रहा है भाई के कर रहा है क्या हो रहा है यो देख लो बिल्कुल तापड़ बत्तराया उड़ा बोलया करे जिसने बिल्कुल मेड आ रही जमीन इसके अंदर जो ऑल इन वन सुपर सीडर है उसके द्वारा एक साथ में एक बार में नरमा की बिजाई करी जाएगी वो सामने जो आपने ट्रैक्टर खड़ा दिखने लग रहा है सुपर सीडर वाला वो एक साथ में करेगा क्योंकि ये एक बड़ी कीमती चीज है किसान के लिए एक साथ में सारे काम करने वाली जो मशीन बड़ी कीमती चीज है ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया आ जा भाई कैमरा मैन ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया भाई बात आ रही है भाई एक बार रुकिए ये वह चीज़ है भाई आगे आगे दिखा दे भाई जल्दी यू फार्म ट्रैक शॉर्ट ट्रैक्टर है या सुपर सीडर है फील्ड मार्शल की इसके पीछे लगा रखा है एक दो नीचे को दिखा दे एक दो दो पोर नरमा बीजन के और बाकी यू का तू है ऊपर दिखा दे भाई नरमा का बीज दिखा दे नरमा का बीज डाल रखा है ये उधर डाल रखा यो उसमें और दिखा दे उसमें और दिखा दे अरे यो खाद है भाई डीएपी खाद चाहे चार पोरम डाल लो चाहे दो पोरम डाल लो खाद डाल रखे है भाई इसके अंदर नरमा के पैकेट पड़े हैं भाई खाली भी रोड़े भी क्योंकि बिजाई ये क्या है खाद मर्जी 10 किलो डालो 50 किलो डालो चल ठीक है एक मिनट बात करांगे चलने दे भाई मशीने चलने दे ये फिलहाल पपोसा गाँव में आप देखने लग रहे हो जो नरमा फिलहाल पपोसा गांव में ये देखने लग रहे हो आप आगे सुपर सीडर पीछे जो इसकी गिरडी ही यह चलने लग रही है और पीछे पीछे नरमा की बिजाई करने लग रहा भाई कितनी गहराई में करने लग रहे भाई डेढ़ अंगल ये दो इंच हाँ दो इंच और एक साथ में यू सारा काम करने लग रहा है एक साथ में सारा काम करे ये देख ले दिखा दे भाई बहुत सारे किसान साथियों का बहम रेज है बहुत सारे कितनी गहराई थी मतलब जा रहा भाई हर उरो कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी इसमें ये देखिए इतनी ढूंगो जा रहा है इतनी ढूंगो जा रहा है भाई तू दिखा ए यो देख ले भाई इतना जावा इतना जाओ इतना तो हैरो भी कौन लागदी कल्टीवेटर और किम्मे को लागदा सोदा इतना पट पे बना रखा चार अंगल पे ट्रैक्टर ने हां एक नॉर्मली रैंडमली एक आईडिया लावा हैरो दो बारी एक बारी कल्टीवेटर सुहागा और फिर भी जाएगी कितना खर्चा बैठ जाए इसका कितना खर्चा बैठ जाए कहीं से लिख जाए जमींदार की अरे स्वाद आ जाए एक बार हाँ अरे गणित तो ये लोग ने काट दिया और मालिक इतना गेल को नहीं पड़े जमींदार के ये दूसरे अड़ोसी पड़ोसी ट्रैक्टर वाले हैं ये काट है कहीं से असली अच्छा और इसने तो पूरे कर रखे भाई काल का बोहेड़ा भाई अच्छा इसमें चाहे पेड़ा ना जा मनु स्वाद सारे कितना सोना दिखा है अच्छा देख ले भाई सोना दिखाना पेड़ा भी जमेगा पेड़ा आप जमेगा सोना होगा तो यार आता तो आ जाए कई चीज पूछूंगा इसका मैं एक साथ में रूटावेटर भी चलने लग रहा है खाद भी चलने लग रहा है यू पाछ यू गिरडा है क्या चलना रहे या गिरडी है सुहागा का काम करे है या जमावा का काम करे है तो इसमें ट्रैक्टर के निशान रहने दे पहिया के अच्छा पहिया के रवाना खोदी में वे नुकसान करे है अरीब नु स्वाद सा रहा है कति यानी कि सुहागा का काम एक साथ में करे है सारे काम एंडी करे है भाई इसका गैप कितना है जो फाड़ फाड़ का 4 फुट का 4 फुट का पूरी खुली हुआ है बिल्कुल 4 फुट और एक सोना काम यो करे है भाई डोला तो 2 फुट आड़न बोवन है आदमी चलता डोला पे
अड़सेड़ा हो जाए। आप लाइव देखने लग रहे हो, देख लो नरमा की बिजाई एक साथ में करने लग रही है। ऑल इन वन जो सुपर सीडर है फील्ड मार्शल का 813 जो मॉडल है वो यू 813 मॉडल चलने लग रहा है खेतों में। आज तक किसी भी कंपनी ने या सोची भी को नहीं थी, जो इसके मालिक है वो कवा है वो दावा ठोका है, उसने सोची भी को नहीं होगी। या देख लो बिल्कुल जो तप्पड़ धरती है, जो बत्तर आरी है उसके अंदर यो काम कर रखा है, जो नरमा बीज रखी है एक साथ में बिजाई और बुआई एक साथ में कर, साथ में सुहागा मान लग रही है। और ग्रामीण है ना इतने इकट्ठे हो रहे इन्हें देखने खातर, क्योंकि अब की बारी लॉन्च करी है या ये ग्रामीण देख लो 10-12 आसपास के खेतों के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। जो यह मशीन चल रहा है इसका निर्माता से बात करांगे, इसने किस तरह से सोच की बनाई है एक साथ में सारे काम करने वाली, जो नरमा बिजाई की मशीन दिखने लग रही है ऑल इन वन जो सुपर सीडर चलने लग रहा है फील्ड मार्शल का, उसके मालिक है हमारे साथ, उसके ओनर है, उसके निर्माता हमारे साथ में जाखड़ साहब है, ये सोच की बना दी एक साथ में यार। भाई सबसे पहले तो अपने गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों राम राम जी, धन्यवाद। और भैया जो सोच के तो नुए बनाई थी कि भाई अपने किसान के सारे काम आसान हो जाए। अच्छा ईब जो आप बात करने लग रहे हैं, इसने गेहूं बीजने में और भाई अपना ज्वार बिजाई में और एक फसल बिजाई में ले लिया। और बात है आज आप नरमा बीजने लग रहे हैं, नरमा बीजने लग रहे हैं तो अपने पहले धरती तैयार कराया करते हैं और फिर मैं उसने कल्टीवेटर मार के सुहागा मार के उसने तैयार करके जद बिजाई कराया और जद बिजाई कराया करते तो सियाग साहब उसमें के हुआ करता जड़ को अपना ट्रैक्टर का टायर जाता नहीं, धरती जम जाती, धरती जम जाती और फिर उसका नोला पता करते नहीं, कसोला कसाला काट दे तो उसको ऊपर वो कसोला उछलिया करता थर्स के अपने किसान भाई का पैर में भी लाग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो पैर में लाग जाता तो भाई सीजन का टाइम पर फिर जमींदार का चोट जख्म उस टाइम हुआ है तो उस टाइम थोड़ा आयु आवा है भाई ट्रैक्टर का टायर अगर जो नहीं होता उनको तो अपने यहाँ चोट नहीं लग गहरा। ये तो सोचा आपने, मंथन करा इसके बारे में, मंथन आगे इस समस्या ने दूर कैसे करूँ? ये समस्या बिल्कुल भी कोई नहीं रही। देखो इसमें ट्रैक्टर का टायर का तो नमे को सारी धरती फोली की फोली रहोगी कसोला इसके अंदर नु माले यूकर शक्कर मर हलवो में चले अगर नहीं सोता न्यू चल लगा। भाई जो आपका जो दिमाग में जो फतूर था उस समस्या ने वह समस्या कर दी जेपी जाखड़ ने दूर। हाँ यही बात है। हाँ यह दूर होगी भाई सारी यारी जिस तरह यह भी एडजस्टिंग है इसके अंदर अपना किसान भाई 4 फुट पर बोना चाहे अग भाई इसने आपे 3.5 फुट पर बोना चाहे तो इस पहले के था अपनी जो बॉडी बोन की मशीन है बीटी कॉटन उसके साइड में देखा होगा मेरे किसान भाइयों मार्कर हो हमें एकर का नूना गेर दिया एकर का नूना गेर दिया तो अपनी लाइनिंग खराब ना हो तो इसमें अपने मार्कर की भी जरूरत नहीं रही। अच्छा ऐसा कहला दिया इसका खुद ऑटोमेटिक या मशीन मार्कर है। अच्छा खुद है खुद है ई वगैरह पे देखा हुआ ये देखो या 2 इंच टेप तो लेट हो रहे यहाँ पे और यह 4 फुट पर लगा रखी है जो मशीन है 4 फुट पर लगा रखी है देखो 4 पे आएगी बिल्कुल। अरे 4 पे आएगी बिल्कुल दिखाइए भाई ठीक ठीक 4 फुट पर ये चीज आएगी और आपकी दिखाई ये देखो ये जो इस तरह लग रहा है 4 पे आएगी। अच्छा ठीक है वो गया नहीं मार्कर का बिल्कुल मार्कर सो होगा सो का सो होगा मार्कर बिल्कुल यो भी 4 पाएगा ये बगला उली साइड में आएगा नहीं यू आड़ा होगा फुट पर इसे क्या पाए देगा यू आड़ा देगा ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका गला किमे भी तो बिजाई करें जावा सारे झंझट मेट दिए सारे झंझट में एक मशीन लो और सारे डाल की फसल की बिजाई करो। मशीन तो एक सर काम अनेक है बिल्कुल अनगिनत काम है इसके जदे तो ऑल इन वन नाम टेक है मशीन एक काम अनेक। अच्छा फिर इसका जो रोटावेटर आप अलग यूज करेंगे आप अलग तो रोटावेटर यूज कर सका इसकी सुपर पावर प्लस हैरो वह भी इसकी यूज कर सका। अच्छा इसे वजह तो आपने देखा भी होगा मेरे किसान भाइयों मेला में जो अपने हिसार का किसान मेला लगा बिल्कुल तो ओड़े भाई आपकी इस कंपनी ने जो फील्ड मार्शल कंपनी है मेरे किसान भाइयों पहला स्थान प्राप्त कराया तो यू पहला स्थान इसी वजह से प्राप्त कराया भाई इसकी तकनीकी इसके अंदर क्वालिटी या काम के कण लग रही है
हर जगह पर जो अपने यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, विशेषज्ञ हैं, तो हर चीज़ को जांच पड़ताल करके तब आपकी मशीन ने, आपकी फील्ड मार्शल कंपनी ने पहला स्थान प्राप्त मार्केट में तभी दिया। हाँ बिल्कुल। और जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हिसार की, एच यू यूनिवर्सिटी है जो एशिया की सबसे बड़ी है, और यू कर्ण यू भी है एशिया के साथ है। आज आप देखो खेत में खड़े हैं, बहुत सारी कंपनी के जो हमें ओनर की बात करा तो वो इस तरीके से अपने खेत में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो अपने किसान के पास आने की एक हीन भावना से समझे। अच्छा। हाँ हीन भावना, वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहे। और मैं एक मुंबई अपना जो किसान भाई का गरीब आप खेत में हाँ तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही तो वही बताओगा ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ। कोई समस्या दूर करनी है। हाँ। कोई दिक्कत आने लगी तो भाई बापे देखेंगे, देखो बाकी कदम की क्या है कि मशीन के अंदर कीड़ी लगा खुड़का नहीं और फिर घर आई अच्छी दवाई की एक बार में इसका काम चल गया। देख बताऊं तो बुरा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ गया। नहीं बिल्कुल आ गया। अच्छा फिर इसकी गहराई देख लो भाई, देख कितनी गहराई में यह चीज जान लग रही है। ये देख लो भाई मेरे किसान भाइयों, 6 इंच का आसपास ठीक है या लगभग आप 5-6 इंच मना 5-6 अंगल का है आसपास है। और भाई यह आग्रह है भाई सुतरी धरतिया पे तैयार कर लिया भाई, ऐसा ना हो भाई कदे यू गहराई में ना जाता हो भाई अपनी जो बावा धरती वह कम बाई जाती हो पूरी अच्छे तरीके से बाई जाओ यार। अच्छे तरीके से देखा होगा आप रोटावेटर मार दें दे, तो इसके अंदर इतने इतने तो अपने 5 आल जाते। बिल्कुल वो फोली छोड़ यू जमीन जमा यू गल्ला जमा गया। ये देखो सुहागा लगा दे भाई। हाँ गल्ला प्रेस कर गया। बिल्कुल प्रेस मार दे। चलो सुशील भाई अपने किसान भाई ने बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब। धन्यवाद भाई। चलो भाई जाखड़ साहब ने बड़ी डीपली से सोचा है, एक मशीन काम अनेक, मशीन एक काम अनेक, और ऑल इन वन जो 813 फील्ड मार्शल का जो सुपर सीडर चालन लगे हर तरह की बिजाई करे, इसकी पूरा की पूरी वीडियो अपने चैनल को ऊपर आ रही है वह जाएगी देखो। आपकी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो या कैसी लगी है एक साथ में बिजाई करने वाली, जो मशीन है सारे ढल की फसल आई किसी लगी है, अपनी राय जरूर जोड़नी है कमेंट के माध्यम से। फिलहाल या जो बाड़ी देखने लग रहे हो या सुपर सीडर द्वारा बोई हुई है जो ऑल इन वन जो काम करे है, जो किसान भाई का खेत में ऑल इन वन हर तरह की फसल की बिजाई और निराई गुड़ाई का भी काम करे है, साथ की साथ जो बाई का काम करे है, जो जमीन में जोतने का काम करे है और साथ में बिजाई करे है, उस मशीन द्वारा या नरमा बीजी हुई है ये देख सकते हो। और ये 5 दिन की नरमा हुई है, 5 दिन की, एक साथ में बाई और एक साथ में बिजाई की है। जिसने भी बिजाई करी है उस साथी से भी बात करेंगे। तो मैं सुशील सियाग फिलहाल पपोसा गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट और बुआनी खेड़ा तहसील से आप लाइव जुड़ गए हमारे साथ, फिलहाल खेतों के अंदर पहुंच गए हैं और आपने मालूम होगा नरमा बिजाई का सीजन चालू हो चुका है, नरमा की बिजाई शुरू हो चुकी है, सरसों की फसल कट ली, गेहूं की फसल कटनी शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ नरमा की जो बिजाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। सरसों के खेत में जो नरमा की बिजाई कर रखी है वो देख सकते हो आप, और ये जिस मशीन से की है वो है ऑल इन वन, यानी कि सारा काम एक साथ में करा हुआ किसान का। ये बाड़ी दिखा दे भाई, जो इसकी बाई कर रखी है और साथ में बिजाई कर रखी है एक साथ में, यानी कि एक साथ में सारे काम करा हुआ और 50 डाल की फसल एक साथ में बीजे हुआ मशीन, 50 डाल की, एक तीर से कई निशाने है, वो एक तीर से कई निशाने जिसने बनाई है उससे भी बात करांगे, जो लेके आया है उससे भी बात करांगे, कितनी फायदेमंद है, कितनी पसंद है किसाना की के कुछ इस या काम करे है नुका 50 डाल की तो आप एक साथ में बिजाई करे है, मतलब ऑल इन वन, और कि में जोड़ने की इसके साथ में ट्रैक्टर के साथ में कोई जरूरत नहीं। भाई किसकी है बाड़ी, कौन है, कौन बताओगा? राम राम कर दे पहले, सब तो पहले राम राम भाई साहब, सारे ना सियाग साहब के चैनल ना सब्सक्राइब कर दो। अरे भाई अपन या सुपर सीडर लिया था जेपी जाखड़ हासी था फील्ड मार्शल का, ये ऑल इन वन 813। नाम पता तो बता कौन है तू? मैं मनजीत बोल रहा हूँ भाई, पपोसा गाँव भवानी खेड़ा भिवानी से जी। या जो बिजाई बीज रखी है जो नरमा की आपके गाँव में? हाँ बिल्कुल भाई साहब, पपोसा गाँव में। आपके गाँव में है? हाँ मेरे गाँव में, मेरे खेत में है। आपके खेत में कब बीजी थी? ये बीजी थी भाई साहब 6 तारीख को। 6 तारीख को आज होगी 12-13 तारीख होगी। हाँ जी 6-4 यानी कि सातवां दिन हो गया आज। सातवां दिन में या निकले ही? हाँ निकले ही भाई साहब। पहले इसकी बुआई करी थी किल्ले की? ना कुछ नहीं करा, बिल्कुल सीधी इसी से बोई है। इसी से सीधी बोई है? सुपर सीडर बोला जिसने? सुपर सीडर से 750 ग्राम बीज डाल रखे आपने, 1 फुट में 1 बीज डाला है यहाँ। 750 ग्राम 1 एकड़ में? हाँ जी
एक एकड़ फुट में एक फुट बाई फुट बाई फुट पर बीज है। बिल्कुल, और मतलब एक सार जर्मिनेशन बहुत बढ़िया जर्मिनेशन है। जितने ये किसान साथी जो वीडियो देखने लगे, आज के दिन सीजन है नरमा बिजाई का, तो उन तक के अपील करोगे, क्योंकि एक साथ में कई संज खरीदने पड़े, कई कृषि यंत्र खरीदने पड़े किसान ने, उनसे ये अपील कराएं भाई साहब कि यह मशीन लो, बहुत बढ़िया चीज है और बहुत बढ़िया काम करा है। बिल्कुल आपने दिखने लग रही है, पट जमीन पड़ी थी या कोई बांध नहीं कर रखा था, इसके अंदर कुछ नहीं कर रखा था, सीधी बुआई करी आपने, सीधी बुआई करी। हाँ जी, कई कई फसलों की बिजाई कर दी है एक साथ में, गल्ले बाई करते एक साथ में, तो या कई फसलें ही कर दे भाई साहब। कई कब लेके आए थे इन्दे? आप लेके आए थे जी, एक साल होना हो गया, एक साल होना। हाँ जी, किस कौन सी फसल की बिजाई करी है आपने इसके साथ? अपन ने सरसम भी बोई थी इससे, और ये बाड़ी बोई है, गेहूं बोई है, गेहूं बोई, तीनों चीज बोई, जई भी बोई है, ज्वार भी बोई है। अच्छा, सारी चीज है, सारी चीज स्वाद आ रहा है, जमा पूरे हो रहे हैं। चलो भाई, पूरे हो रहे किसान के, मतलब अलग अलग जो कृषि यंत्र लिया, जीरो ड्रिल गेहूं बोने के अलग लिया, बाड़ी बोने के अलग लिया, रूटावेटर सुपर सीडर अलग तक लिया, तो कितना खर्चा ज्यादा होना था या कम होना था? खर्चा ज्यादा होना था भाई साहब, एक बार बार में जोड़न की छोड़न की या भी तो दिक्कत, या बड़ी दिक्कत रहा भाई किसाना ने, बार बार वो कृषि यंत्र बदलना, फिर बदलना, लेके आना 5 किलोमीटर मेरे साथ गाँव भी आगाड़, बार बार है भाई साहब 2.5-3 किलोमीटर है। बिल्कुल, चलो भाई और भी किसान साथी है, उन तभी बात करें भाई साहब, डर नागन आज मैं करंट मारू यार, आ जा। के नाम है? लोकेश नाम भाई, लोकेश नाम तो एक नंबर का है, लव एंड कुश, लव कुश अक लव केस है, लव केस। चलो, के किस का एक दिनों की बिजाई करी ने? 6 तारीख की करोड़ी भाई साहब, 6 तारीख की। हाँ, फिर इसका एक नंबर की बिजाई करा की ऊन आ को एक नंबर की है, पूरा हरियाणा किसान देखने लग रहे हैं, आड़ा है कि पपोसम भीड़ लाग जे की, देखा भाई साहब है दिक्कत है तो। अच्छा, हां ये दिखा दे भाई एक बार, इस खुद की दिखा दे, वैसे या मतलब दो दो पत्तियां हुई है या, और कल जर्मिनेशन कल या परसों से दिखनी शुरू हुई है या छोटी है? आगे खुद में दिखा दे रहा, आगे ही दिखा दे रहा, आराम आराम से। बिल्कुल, या 5-6 दिन की तो या नरमा हुई है, सुपर सीड से बीज, सुपर सीड से बीज, मजा आएगा बीज, मजा आएगा एक साथ में जमा, एक साथ में, यानी कि आपने सुपर सीडर में बीज डाल दिया और जो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो अपने आप चलाएगा और अपने आप बीज दे रही, अपने आप पोर पार मुखने की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं इसमें, पोर पार मुखने की तो बिल्कुल ही नहीं। कम ज्यादा बीज गिरने की हो ना जी, जमा एक सार बीज गिरे, पाछे पाछे भाजण की हो ना, ना कोई दिक्कत, एक बार बीज गल हो और एक पास हो ले, फिर आपकी डूंगाई वा ढूंगी है ना, सही है, गहराई देख ले, गहराई देख ले, बाकी सारा काम कर दे, बाकी सारा काम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो ये सारी चीज हमने दिखाई, जितने भी किसान साथी है वीडियो ने शेयर दबके करना है, आपने इस वीडियो के बारे में आपका सुझाव के है, अपनी राय के है, अपनी प्रतिक्रिया के है, आपने कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ में सुशील सियाग, धन्यवाद।